भारत विकास परिषद मध्य भारत प्रांत शनिवार और रविवार को एक निःशुल्क दिव्यांग बंधुओं के लिए अपना पहला कृत्रिम अंग वितरण शिविर आयोजित करेगा। इसे मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। शनिवार को स्थानीय फूलवा के स्थित मानस भवन में शनिवार सुबह मुख्य अतिथि नारायण सिंह कुशवाहा मंत्री सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन कल्याण की मौजूदगी में यह निःशुल्क दिव्यांग शिविर में अस्थि बाधित दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरित करेंगे। वहीं 21 जनवरी को समापन सत्र में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून को मौजूद रहेंगे। दो दिनों तक चलने वाले शिविर में दिव्यांगजनों को कृत्रिम हाथ पैर निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। करीब 200 से ज्यादा दिव्यांगजनों के शिविर में लाभान्वित होने की संभावना है। इस मौके पर भारत विकास परिषद के प्रांत मध्य भारत के सभी पदाधिकारी गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं विनोद गर्ग, भारत विकास परिषद ईसी चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ और हमारी संस्था के द्वारा यहाँ पर प्रांत स्तरीय, हमारा जो प्रांत है वो भिंड से लेके श्योपुर तक लगता है, यानी लगभग देखा जाए तो ग्वालियर संभाग, तो संभाग स्तरीय यहाँ पर एक दिव्यांग भाई बहनों के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। और इस कैंप के हमारे कार्यक्रम संयोजक नितिन गोगोरिया जी हैं और हम लोग जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं इसमें हम अस्थि बाधित दिव्यांग भाई बहनों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। अस्थि बाधित में यानी कि जिनका हाथ और पैर हड्डी से कटा हुआ है, ऐसे भाई बहनों को हम लोग यहाँ पे कल के कार्यक्रम में अंग लगाने जा रहे हैं, यानी जिनका हाथ और पैर कटा हुआ उनका कल हम लोग मेज़रमेंट लेंगे और परसों 21 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष जी माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर के सामने हम उनको हाथ और पैर लगा के उनको आपको चलाकर बताएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति, समाज का ऐसा व्यक्ति जिसे किसी न किसी कारण से आज वो इतना लाचार हो गया कि अपने हाथों पैरों से काम नहीं कर पा रहा, भारत विकास परिषद के माध्यम से हम उसको संपूर्ण करने जा रहे हैं, उसको हाथों पैर लगा के उसको कार्य कराने की दिशा में, उसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम लोग कार्य करने जा रहे हैं। हमारा जो टारगेट है वह तो 150 से 200 के लगभग लाभ बेनिफिशरीज़ को लाभान्वित करने का है। अभी हमारे पास में उसके रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहे हैं और उसकी जो एक संख्या जो निकल कर आएगी वो कल शाम के बाद ही हम लोग आपको बता पाएंगे, लेकिन जैसा अनुमान है कि हमने 200 मरीजों का लक्ष्य रखा है तो हमें लगता है कि हम लगभग वहाँ तक पहुँचने का प्रयास अवश्य करेंगे। एज ग्रुप भी रखा है? नहीं, इसके अंदर कोई एज ग्रुप हमारे द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। जो भी मरीज़ उन मेजरमेंट में, परीक्षण में पात्र पाए जाएंगे उनको अंग प्रदान किया जाएगा। हड्डी लोग विशेषज्ञ कोई आएंगे? डॉक्टर ऑर्थो के डॉक्टर हैं देवेंद्र कुशवाहा, वह हम लोगों के साथ में रहेंगे जो ग्वालियर सिटी हॉस्पिटल से हैं। जीवन शैली में कितना अंतर आएगा तुम आते जो लगाए? जीवन शैली में उनके अंतर आएगा। आज आप देखिए कि जो लोग खुद अपने हाथ पैरों से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, निश्चय ही वह अपने हाथ पैरों से चल पाएंगे। और भारत विकास परिषद का लक्ष्य यह है कि हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। कभी ना कभी अभी हम उनको हाथों पैर लगा रहे हैं, आगे जाके हम उनको ई रिक्शा देने का काम करेंगे और ई रिक्शा के ऊपर वह अपना इस तरह का कार्य किया जाएगा कि वह अपनी एक छोटी दुकान खुद के द्वारा संचालित कर सकें और खुद अपने जीवन का यापन कर सकें।